चस्के हैं, ये सालसा सॉस है, मस्टर्ड सॉस आ गई, ये बड़ी बड़ी सॉस आ गई, लाड़ा पंजाब का। ये भाईजान क्या कहने, बेहतरीन से निज़ाम है। अल्लाह रहमान रहीम। पटोला सैंडविच भी है, याद है ना पटोला? हाय हाय पटोला, वो भी खाना ही है भाई, खिलाना पिलाना कोई चक्कर नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद एन अदर व्लॉग। आज का मैं कह रहा हूँ आपका दिल से खुश आमदीद आपके अपने चैनल लाइगर्स व्लॉग पर। आज भाईजान एक बार फिर से बरकत मार्केट मौजूद हैं। बरकत मार्केट में आपने पहले ही दो वीडियोस को बड़ा ही प्यार दिया हुआ है, अब इसी तरीके से इस वीडियो की, आज की वीडियो को भी बहुत प्यार देना। और हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, उस सीरीज़ का नाम होने वाला है, क्या नाम रखेंगे नाम लोग आप लोग सजेस्ट कर देना। लेकिन हम लोग ये करेंगे भाईजान के मंडी के जो भी हालात होंगे, बकरा मंडी के, यानी कि अभी ईद का सीज़न आ रहा है तो उसके जो भी हालात होने वाले हैं तो उसके ऊपर हम लोग सारी डिस्कशन करेंगे, उसके रेट्स वगैरह ये वो चीज़ें। अच्छा खैर, अब आते हैं जी अपने मुद्दे पे, जो कि मेन पॉइंट अपने पे खड़े हुए हैं वो फ़िलहाल यहाँ पे आज खड़े हुए हैं दोबारा से एक बार फिर से भाईजान बिरयानी किंग एंड स्टेक वगैरह वाले, तो इनके पास आज आपको पहली बार, लास्ट टाइम हमने ट्राई किया था इनके पास बीफ बर्गर, आज हम इनसे ट्राई करने वाले हैं। फिलहाल इनका जो मेजर स्टेक है, जो ज़्यादा सबसे रनिंग आइटम है इनका, वो वाला ट्राई करेंगे, और उसके बाद अगर देखेंगे हमें कुछ और भी मिलेगा तो वो भी करेंगे ट्राई। तो अभी चलते हैं वहाँ पे स्टेक, जो कि शशके आप पहले भी देख चुके हो, एक बार फिर से आपको शशके दिखाए जाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, स्लिप हो जाती है टंग आपको पता ही है मेरी। एनीवेज अब हम आगे चल रहे हैं और आगे जाके अपना जो भी निज़ाम होने वाला है वो आपको सारा दिखाते हैं। इनकी शॉप का वही सीन है जिसका पहले था कि जो जिस तरह आप एंटर होते हैं तो उसको फ़ौरन आपको मिल जाती है भाईजान यहाँ पे स्टेक। तो स्टेक्स के शशके इस तरीके से चलते जा रहे हैं और ये भाईजान को चीज़ स्टेक लगे में क्या कहने। और भाई अपनी मोहब्बतें जो कि सॉसेज के नज़रे में है वो डालते जा रहे हैं, मस्टर्ड सॉस, ये तो मुझे ज़ुबानी याद है ना ये कौन कौन सी सॉसेज हैं, वो चिकन पीसेस पड़े हुए हैं और ये मस्टर्ड सॉस वगैरह, यहाँ पे चिली और यहाँ पे कैचअप वगैरह सारा कुछ निज़ामत। तो आज हम यही ट्राई करने वाले हैं इनके पास, जैसे कि आपको पता है इनके पास पहले भी आपको बताया हुआ है जिस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे उस तरीके से आपको चीज़ें नज़र आती है कि यहाँ पर भी स्टेक लग रहे हैं, यहाँ पर जिनके पास लोडेड फ्राइज होते हैं, यहाँ पर चिकन के चचके हैं। इस बंदे को आप दोबारा याद देख लो, याद ही होगा आपको, ये भाई ऑलरेडी हमारे ब्लॉग में आ चुके हैं, इसको ना वहाँ पर जी जिंगर वगैरह के सीज चल रहे हैं और वो अंदर प्राइजेस के सीन लगी हुई है इनको। कहाँ पे लगी हुई है? थाने में। थाने, थाने में चोरी करते पकड़े गए थे, पकड़े गए थे इनको, पकड़वाएं जाके। बैक टू द वीडियो, अब यहाँ पे जी यहाँ पे भी वही सीन चल रहे हैं इनके, और ये जिंगर पीस, चिकन पीसेस, यहाँ पे जी आपके सामने लाइव स्टेक्स के कुछ सीन चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं ए टू जी। यहाँ पे भाईजान जिंगर पहले पीसेज आ जाते हैं और उसके बाद आ जाएगा जी यहाँ पे जो ग्रिल फिले का पीस था वो आ जाता है, स्टेक का पीस कह लें, ग्रिल फिले कह लें, अब जो स्टेक का पीस ही जो बोला जाता है वो यही है। और यहाँ पे चिकन पीसेज आ जाते हैं, जो कि दो हैं, एक जिंगर पीस होता है, दो चिकन फिले होते हैं। उसके बाद इसके ऊपर सॉसेज की बारिश की जाती है, सॉसेज कौन कौन सी होने वाली हैं, कभी भाई जिस तरीके से सॉसेज डालती जाएंगे वो भी आपको नज़र आती जाएंगी। यहाँ पे सॉसेज के शशके हैं, ये सालसा सॉस है, और इसके बाद यहाँ पे आ गई है मस्टर्ड सॉस आ गई, हनी मस्टर्ड, और ये बड़ी बड़ी सॉस आ गई है, और उसके बाद यहाँ पे जी ये जैलोपिनोज आ जाते हैं, बहुत आला बहुत बेहतरीन से निज़ामात। और ये गार्निशिंग है इनकी, जो गार्निशिंग की जाती है, और जब ये स्टेक प्रॉपर रेडी होती है वो कुछ इस तरीके से नज़र आती है, वो आपको जब ये भी रेडी हो जाएगी तब भी आपको नज़र आ जाएगी कि क्या सीन होने वाला है। इसके बाद भाईजान यहाँ पे फ्राइज इसके ऊपर फुल भर के डाल दिए जाते हैं कि फुल हैवी निज़ाम के साथ। यार इसके प्राइस क्या चल रहे हैं भाई? ये 480 की रेगुलर है, 550 की जंबो है। 550 की जंबो, 580 की जंबो, 4 समथिंग की रेगुलर है और 580 की है जो जंबो है। और ये कौन सी है? ये रेगुलर लग रही है, ठीक हो गया। अब ये जी दोबारा यहाँ पे पारी पारी सॉस, दोबारा सॉसेस के शशके कुछ नज़र आएंगे आप लोगों को, और दोबारा मस्टर्ड सॉस है, हनी मस्टर्ड, और उसके बाद फिर से एक बार ये बारबेक्यू सॉस, फुल सॉसेज का शशका है यार। जिस बंदे को सॉसेज बहुत पसंद है ना वो यहाँ पे आके इसको ज़रूर ट्राई कर सकता है। फुल हैवी शपैको के साथ साथ भेजा ना, अब हम शपैक, यार मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था शपैक नहीं बोलना, ओके यार, फुल अपने शशकों के साथ साथ हम यहाँ पे अब अपना जो कि स्टेक है ना उसको रेडी करवाते हैं। पहले तो आपने लोगों का स्टेक होते रेडी देखा है, अब हमारा स्टेक होते रेडी देखोगे। तो अभी जी सीन जो होने वाले हैं दोबारा से अपनी स्क्रीन की तरफ वापस आ जाओ, और फुल हैवी शपैको के साथ फिर शपैक
नहीं पैक करना यार। अच्छा ये चल रहे हैं इसके चचके, ठीक है पैक यार। वैसे उस्ताद है हमारे, कोई बात नहीं, शपैक उस्ताद है हमारे। बिल्कुल भाई, ओके जी। किंग स्टे का है, बरकत मार्केट के अंदर एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ आए, दोस्तों के साथ आए। फुली एयर कंडीशन हॉल है और ओपन आपको स्ट्रीट मिलती है। इसके बाद आपको सबसे अच्छी बात है, अगर आप कैमरे की उसे दिखाएं स्टेक हमारे ग्रिल स्टेक और प्लस मतलब इसमें फ्राइज और सॉसेज के साथ फुल लोडेड करके। ओके हो गया भाई। ये भाई जो कि यहाँ पे जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी अपना छोटा इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन एक गल झूठ बोली है, एयर कंडीशनर नहीं है फिलहाल। है चलाते क्यों नहीं, चलाते हैं क्यों नहीं चलाते, वो इस टाइम पता नहीं चलता गर्मी की वजह से। सही हो गया। लो भाई एयर कंडीशनर है, माय मिस्टेक। एनीवेज वापस आ जाओ यार, अब हमारा स्टेक रेडी करो आप। भाई जान यहाँ पे जी अपने सीन्स उठा रहे हैं भाई, चिकन आ गया और चिकन फिले, उसके बाद जिंगर का आ गया पीस। अब भाई जान अपनी ये स्पेशल स्टेक है, ये वाली होती है, ये सालसा सॉस बेहतरीन। अच्छा यार सालसा सॉस स्पाइसी होती है नॉर्मल होती है? ये बनती है वेजिटेबल से, वेजिटेबल सॉस है, तकरीबन 10-15 वेजिटेबल मिक्स करके ग्राइंड करके कीमे वाली मशीन जो चलती है। अच्छा अच्छा, उसके अंदर मिक्स ग्राइंड करके उससे बनती है। तो इस चीज के इसमें मिर्च नहीं, इसके अंदर जो है ये स्टेक है, स्टेक किस चीज से स्टेक? चिकन स्टेक है ये, चांदी कितने की है। और उसके बाद भैया ये बनती है सॉसेज का, इसके अंदर एंड पे चिली सॉस है जी, वो अंदर मिक्स कर देते हैं, यानी कि ज्यादा स्पाइसी तो नहीं होती है। ओके। अच्छा वीडियो स्किप हो गई थोड़ी सी मुझसे, और ये आगे भैया मस्टर्ड और पेरी पेरी सॉस, उसके बाद यहाँ पे गार्निशिंग। यार फ्राइज इसके शशके देखो, फ्राइज देखो एडा लम्मा फ्राइज। ओके जी अब वापस आ जाते हैं अपनी साइड पे, और ये फ्राइज आ गए बेहतरीन यार, बहुत आला, बहुत बेहतरीन से बहुत आला से शशके, क्या कहने यार। पेरी पेरी सॉस ठीक है, उसके बाद फिर से मस्टर्ड, क्या बात है। उसके बाद बारबेक्यू सॉस, अपना शशका उठाते हुए, बहुत आला बहुत बेहतरीन। हमारा जो कि स्टेक है वो सब प्रॉपर रेडी हो चुका है, और कुछ इस तरह का स्टेक आपको नज़र आ जाता है, बड़ा ही बेहतरीन सा यार, क्या कहने। चेक करो सीन स्टेक, बहुत आला बहुत बेहतरीन, क्या कहने यार, बहुत आला कमाल से सीन है इसके। उसके बाद अब जी इसका टेस्ट किया जाएगा, इतना ये नज़र आने में खूबसूरत है, अगर टेस्ट में भी इतना ही खूबसूरत हुआ तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं और चेक करते हैं सीन्स होते क्या हैं, इनके कैसे सीन्स हैं, तो सारे हम चेक करने वाले हैं अभी टेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फ्राइज आ जाते हैं कि सॉसेज वाले, ठीक है फुल हैवी सॉस वगैरह डले हुए हैं इसके ऊपर, कुछ कुछ इस तरह के फ्राइज होते हैं जी इनके पास ये, ठीक है और फुल हैवी सॉस के साथ है। तो अब इसको हम ट्राई कर लेते हैं। ओ फ्राइज अच्छे हैं यार, नो डाउट। मेन जो चीज़ें रहती है उसके बाद आ जाता है इनके पास जो जिंगर पीस है ना इनका, वो सॉरी फॉर दिस, उसको हम उठा के साइड पे कर देंगे भी। तो हमारे पास जो जिसका जी जिंगर पीस जो है ना इनका, वो कुछ इस तरह का होता है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जिंगर पीस होता है इसका। ओ ओ ठीक है जी। तो यहाँ पे चिकन आ जाता है, इसको भी पहले इसका खाली क्रिस्पीनेस हाथ में आ गया तो वो देख ही लेते हैं, तो खा गए ठीक है। जिंगर अपना जो जिंगर का एक टेस्ट होता है वो आ रहा है इसमें प्रॉपर। अपने नेक्स्ट वाली साइड पे चलते हैं। तो जी यहाँ पे जी इनके पास जो हमारी जो मेजर स्टेक है सालसा सॉस के साथ, वो कुछ आपको किस तरह की नज़र आती है, जो कि ये देख रहे हो आप, ये इन्होंने इसको मतलब के साथ वो भी दिया हुआ, लेकिन मेरे एक हाथ फ्री नहीं है उसके साथ, मैं फोक नाइफ के साथ खा नहीं सकता, उसके साथ ये सीन है इसका। वो कट जा भाई, बहुत ज़िद्दी हो गई है नवाज शरीफ की तरह। अच्छा जी ये इनकी कुछ इस तरह की स्टेक आ जाती है सालसा सॉस के साथ, तो उसका भी चश्का आप नज़र आ ही रहा है, और ये सारे निज़ामात एक अच्छे निज़ामात एक बेहतरीन से। तो बारी है इसको टेस्ट करने की, इसका रिव्यू करने की, ये किस तरह की। मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ इसको, लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो यहाँ पे हमने आके इनका बर्गर ट्राई किया था, अभी आज ये ट्राई कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह
बड़े यार अलग सा अलग सी चीज़, बहुत ही बेहतरीन सा इसका टेस्ट है। सॉस में इसको डिप करो, यूं उठाओ और ये इधर, बहुत अलग इंतहाई फ्रेश सा उसका मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़े का सीन है। अब हम इसके अपने जिंगर की तरफ आ जाएं, तो जिंगर हम लोगों को कुछ इस तरह से मिलता है। जिंगर का जो आपको सीन नज़र आ जाता है, वो जिंगर का कुछ सीन इस तरह है, जैसे कि मैंने बताया था कि हाथ एक एक हाथ से वीडियो और एक हाथ से ये बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये तो आजकल तो आपको ये चिकन चिकन नज़र आ रहा है, और आने वाले दिनों में आपको सिर्फ मीट ही मीट, नदी के बकरे बड़े सारा कुछ नज़र आएंगे, क्योंकि हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसके बारे में, जो कि मंडी के हालातों के ऊपर होगी। और अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये जिंगर का जो पीस है ना, वो ये जा रहा है इधर। जिंगर ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा मज़ा करवाया ना, वो मुझे करवाया है चिकन स्टेक ने, जो कि चिकन का जो ग्रिल वाला सीन है ना उसने। जिंगर एक अपनी जगह पे है, वो ठीक है, लेकिन उसका टेस्ट एक अलग सा आ रहा है। तो लेकिन मैं आपको जो रेकमेंड करूँगा, आप ज़रूर आओ, ट्राई करो इसको, एक अलग सी चीज़ है, इकॉनमी डील और बहुत अच्छा है। ये LFP वाला सीन तो है नहीं, जो लोगों को गंदे खिलाते हैं, हम लोगों ने तो अच्छी चीज़ खिलानी है। हम लोगों का वादा ही आपके साथ ये है कि जो चीज़ अच्छी होगी उसको अच्छा कहा जाएगा, जो चीज़ बुरी होगी उसको बुरा कहा जाएगा। तो जिस तरीके से अभी ये सीन चल रहे हैं, आपको नज़र आ ही रहे हैं, और बहुत बेहतरीन सा टेस्ट है इसका, नो डाउट आओ ट्राई करो, 100% रिकमेंडेशन है। ये स्टेक कोई आम बंदों के लिए नहीं है, ये स्टेक है भाईजान फुल बटों वाला। बटों के लिए से मुराद है कि फुल हैवी स्टेक है यार, मतलब कि आप एक सिंगल स्टेक भी अगर लगवाते हो ना, तो मेरे जैसे हो, अगर आप मेरे इतना खाते हो तो आपको फुल हो जाते हो, क्योंकि बाकी मैंने जो है ये पैक करवा लिया, क्योंकि मुझसे प्रॉपर खाया नहीं। जैसे तुम लोगों ने स्टेक के सजके देखे हैं यहाँ पे यार, ये पटोला सैंडविच भी है, याद है ना पटोला, हाय हाय पटोला वो वाला, क्या कहते हैं, बहुत अलग से नज़ामा कुछ ये पटोला सैंडविचेस के सजके जाते हैं। अच्छा जी, हम लास्ट पोर्ट पे भी अपने मौजूद हैं, मास्क ला लिया ना, समझना कि कोरोना शोरोना का मरीज़ हो गया, लेकिन हम लोग भैया ने अभी खड़े हुए हैं स्वीट्स क्रीम, आज हम लोग जा रहे हैं इनके किचन में, तो किचन में जाके आपको इनका कुछ शशके हैं जी, ब्राउनी विद आइसक्रीम एज़ यूजुअल, जो हम लोग खाते हैं उसके अब थोड़े बहुत शशके दिखाए जाएंगे। तो अंदर चलते हैं अभी जाके, उसकी मेकिंग जिस तरह होती है वो आपको दिखाई जाएगी। तो मास्क की वजह से थोड़ा साउंड की हो सकता है कि आपको कमी हो, लेकिन प्लीज़ इसको सिप ना करना, मज़ा आएगा देखने के, हम पहली बार जा रहे हैं, मैं पहला ब्लॉगर हूँ जो स्वीट आइसक्रीम के अंदर चला है। ब्राउनी विद आइसक्रीम की हमारी जो मेकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है यार, क्या कहने, ब्राउनी पे जो सॉस डल रही है ना, सॉस क्या है, चॉकलेट है, और बड़ी कमाल की है, बहुत अलग। सो कहते क्या है यार, डबल सॉस ब्राउनी एंड आइसक्रीम। अच्छा जी, अब हम आइसक्रीम, अच्छा ये पहले जो गर्म हो गई है, इस तरह का ओवन होता है जिसमें ये गर्म होने के लिए जाती है, और ये गई जी। कितना टाइम लगता है इसको, 30 सेकेंड्स। अब भाईजान गरम हो चुकी है, और इसके बाद ये आइसक्रीम चले जाती है इसके अंदर, बहुत आला, क्या कहने, बहुत आला से बेहतरीन से नज़ामा। उसके बाद जी इसके ऊपर फिर से सॉस आएगी यार, मैं सॉस क्यों कह रहा हूँ, मेरे पास चॉकलेट सिरप है, ये यही है ना, हाँ चॉकलेट सिरप है यार, सॉस नहीं है। आज भाई अब टाइम टू रिव्यू, बाहर चलते हैं, और बाहर जाके अपना जो कि इसको टेस्ट करके बताता हूँ कि क्या नज़ाम आता है, इनके टेस्ट किस तरह के हैं, सीन्स क्या हैं। बेहतरीन सी जी इस टाइम आइसक्रीम विद ब्राउनी, चेक कर रहे हो, आ रहे हो मुझ पानी, मैं ही करा फिर, ले जाओ आए खा लो, है स्वीट क्रीम दे सारे नज़ाम ने, आओ और खाओ, मुझे क्या कह रहे हो, मैं तो दिखाना ही है भाई, खिलाना खिलाना का कोई चक्कर नहीं है। पहले जी हम इसकी जो कि ब्राउनी के सीन्स हैं ना, वो उठा के देख लेते हैं कि क्या नज़ाम आता है यार। ये आज बड़ी मज़े की लग रही है ब्राउनी, फुल ही सॉफ्ट, क्या कहते हैं, बहुत अलग से निज़ामत ये, क्या कहने। और ये जी इसका यार, ये आइसक्रीम की मुझे इसलिए पसंद है, एक तो ये थिक बहुत है, फुल हैवी, ये देख रहे हो, ये एक चीज़ है ब्लेजर्ड, वो तो भाई ये उल्टा करके दिखाते हैं खुद कि अवेलो मुदी नहीं होती, बहुत अलग, बहुत बेहतरीन से निज़ाम। अब हमारी जो बेसिक, जिस वजह से ये खाई जाती है, जो कि इसका तौर तरीका है खाने का, रवाज जो है, जो भी कह लो इनू,
ब्राउनी विद आइसक्रीम, चेक कर रहे हो ये, और उसके बाद यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बहुत बेहतरीन यार, टू गुड यार, कोई शक नहीं है इसमें, टू गुड है वाकई है। पहले हम लोग सिंपल खाते रहे हैं और आज हम लोग इसके साथ चॉकलेट, जो इसके चॉकलेट सिरप है वो एक्स्ट्रा डलवा के खा रहे हैं, तो उसका एक अलग सा मज़ा है।